नमस्कार सर, मेरा नाम विष्णु कुमार सोनी है। मैं छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, सुजानगढ़ तहसील। हम लालगढ़ विधानसभा से आए हैं। हम पहले बीकानेर गए, वहाँ पर हमें बेड और ऑक्सीजन नहीं मिला। वहाँ से हमने संदीप सर ने वसुंधरा जोधपुर हॉस्पिटल के लिए रिकमेंड किया, आगे मिला। जी, जब ये भर्ती हुए थे 9 तारीख को, उस टाइम पे बीकानेर से आने वाले टाइम पे जब हॉस्पिटल पहुँचे तो इनका सेचुरेशन लेवल 70 पे था। ऑक्सीजन के साथ के अंदर मेंटेन किया, 90 पे पहुँचा। उससे पहले, यहाँ आने से पहले ये 7 दिन तक बीमार। तो आसपास में पड़ोस में जो कोरोना के फर्स्ट वेव के सिम्टम थे, स्मेल का जाना या फिर गले में दर्द, खराश, वो वाले कोई लक्षण नहीं थे। तो इतना सीवियरिटी से लिया नहीं, तो सांस के अंदर तकलीफ, दम का फूलना, ये वाली कंडीशन आई तो अचानक ही यहाँ पे लाना पड़ा। और यहाँ पे इनका पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल दिया गया, रामदेव शिविर पूरा चला 6 डोज के लिए, और जो प्लाज्मा थेरेपी वो भी 2 चढ़ पाई। 9 तारीख को जब आए थे तब 17 CT स्कोर के साथ के अंदर आए थे। हालांकि सिम्टोमेटिकली तो पेशेंट इम्प्रूव कर ही रहे थे, हमें भी भरोसा था कि ये रिकवर कर जाएंगे अच्छे से। बट 15 तारीख को जब रिपीट इनका CT स्कोर कराया गया तो 24 आया, तो माहौल पैनिक हुआ। बट सिम्टोमेटिकली इम्प्रूव थे, विदाउट ऑक्सीजन इनका 90 पे रह रहा था, ऑक्सीजन के साथ के अंदर 95 का रह रहा था। और विदाउट उसके भी जब इनका जो है CT स्कोर के बाद के अंदर 2 दिन तक हम यहाँ के वसुंधरा के ट्रीटमेंट पे फुल्ली डिपेंड रहे, भरोसा करते रहे। डॉक्टर साहब ने अच्छा ढांढस बांधा, टाइम को जस्ट हम पास करते गए। आज 36 घंटे हुए हैं विदाउट ऑक्सीजन इनका सेचुरेशन लेवल 95 रह रहा है। तो मैसेज पॉजिटिवली यही जाता है पूरे समाज कम्युनिटी के लिए कि वातावरण को बिल्कुल भी पैनिक नहीं करें। जो भी रीडिंग है CT स्कोर की, वो मात्र एक डाटा है। अगर पेशेंट जो है सिम्टोमेटिकली अच्छा इम्प्रूव कर रहा है, कॉन्फिडेंटली है, पॉजिटिव वाइब्स है, सब कुछ बढ़िया है, तो रिकवर करेगा। और इस तरह पूरे वसुंधरा टीम का, यहाँ के कर्मचारियों का, डॉक्टर अनिल शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद।